तो कायनात के वजीर आजम चोर है, तो अब चोर के खिलाफ हम सबको निकलना होगा। बिलावल साहब के लीडरशिप में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लीडरशिप में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हर कदम फतेह के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। मखदूम साहब ने कहा सिरा की सूबे की बात की, आपको ये बताता चलूं, मैं गवाह हूं उस चीज का, ऐनी गवाह हूं कि जब पंजाब असेंबली ने सिरा की सूबे का रेजोल्यूशन पास किया तो फिर भाग गए, और फिर नेशनल असेंबली में 2008 में हमारी हुकूमत थी और वायदा किया था जरदारी साहब ने कि मैं आपको सूबा दूंगा, मैं आपको अख्तियारात दूंगा, मैं आपको हकूक दूंगा, मैं आपका पाकिस्तान का नेशनल फ्रेंड्स अवार्ड जो है वो दूंगा, उनका हिस्सा दूंगा। तो वो तो हम सारे पूरे किए। जब हमने सूबे का रेजोल्यूशन मूव किया तो बदकिस्मती से कुछ जमातों ने उससे इनकार किया और हमारा साथ नहीं दिया और ये पास नहीं हो सका। मगर फिर आज आपको यकीन दिलाता है हमारा चेयरमैन, यकीन दिलाता है कि इंशाल्लाह ताला जैसे बेनजीर भुट्टो के वादे जरदारी साहब ने पूरे किए, इंशाल्लाह ताला मेरी कायद का वायदा था कि सिराय की सूबा बनेगा, जरूर बनेगा। ये बातें नहीं है, ये हमेशा के लिए फैसला है। मगर आपको निकलना पड़ेगा, आपको फ्रेम में नहीं आना पड़ेगा, धोखे में नहीं आना पड़ेगा कि हम सूबा इसरा की वहाद बनाया और झूठ से आपको आपसे वोट लिया, वो वोट ने धोखा किया, आपसे धोखा किया, मासूम सराकियों से धोखा किया, हमारे बच्चों के साथ धोखा किया, हमारे किसानों से धोखा किया, हमारे मजदूरों से धोखा किया। कहा कि हम देंगे, मगर आज कहाँ गए? चार साल हो गए हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सके। जैसे दूसरे झूठे वायदे किए, ये भी एक बहुत बड़ा झूठा वायदा था, उसके ऊपर आर्टिकल 63F के तहत नाअहल करना चाहिए इस पार्टी को, क्योंकि इस पार्टी ने आवाम से धोखा देके वोट दिया है। चेयरमैन साहब, हमारे आर्टिकल में बिल्कुल वाजे है कि धोखा, फ्रेब, झूठ इस आर्टिकल 63F में आता है। तो हम ये मुतालबा करते हैं, ये आवाम, सराय की आवाम मुतालबा करता है कि इनको नाअहल किया जाए, इस पार्टी को खत्म किया जाए, क्योंकि तो हम आपसे, हमारा लीडर आपसे वायदा करके जा रहा है, साउथ आवाम से वायदा करके जा रहा है कि हम आपको सूबा देंगे, आपके हकूक देंगे, आपकी डेवलपमेंट करेंगे, आपके जो आपका हिस्सा जो खाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, चीनी की सूरत में, गंदम की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में, डॉलर की सूरत में, खाद खुराक की सूरत में, दवाओं की सूरत में, वेलफेयर की सूरत में जो लूटा जा रहा है, वो पैसा आपको मिलेगा। पीपुल्स पार्टी जहां सारे वायदे पूरे किए हैं, ये वायदा भी पूरा करेगी, आपकी खुशहाली का वायदा पूरा करेगी, आपकी तरक्की का सूबा पूरा करेगी, आपका सूबे का वायदा पूरा करेगी। इंशाल्लाह आप भी पंजाब की तरह खुशहाल होंगे, आप भी दूसरे सूबों की तरह खुशहाल होंगे, आपकी तरक्की भी होगी, आपकी तालीम भी होगी, आपकी सेहत भी होगी, आपके रोड भी होंगे, आपकी तालीम भी होगी। इंशाल्लाह खुशहाली आपके कदमों को चूमेगी। और भुट्टो शहीद की लीडरशिप में और बिलावल भुट्टो साहब की लीडरशिप में और अहमद नंबू साहब, मैं आपके और दोस्तों को, कोरेजा साहब को, सारे दोस्तों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा शो करके दिखाया है, एक मैसेज पहुंचाया है पाकिस्तान के आवाम को कि आओ निकलो, और इंशाल्लाह आज के बाद सारा पंजाब रोडों पे होगा। आमीन, मेहरबानी, शुक्रिया। खान बेला के दोस्तों, आपने बाजी जीत ली। लियाकतपुर के दोस्तों, अपने बाजी जीत ली। पता चला है कि ये जलसे की लाइव कवरेज देखकर बन्नी गाला में पसीने छूट रहे हैं।
आपको पता होगा जब भी मुल्क में इमरान खान के खिलाफ कोई तहरीक चलती है तो तर्जुमानों का खुसूसी इजलास मंगवाया जाता है, और आज का जलसा देखकर पूरे मुल्क से जादूगर और जादूगरनियों का अहम इजलास मंगवाया गया है। परेशानी का आलम है, अपने लीडर को वेलकम करें, तालियां बजा के करेंगे। मैं नारा नहीं लगाऊंगा, आप चेयरमैन साहब का नाम लेके तालियां बजाएंगे। बिलावल, अब आपकी तालियों की गूंज में हम आपके लीडर को बुलाने जा रहे हैं। झंडे ऊपर करो, उससे पहले सिर्फ एक बात पूछता हूं, आप चेयरमैन साहब के साथ इस्लामाबाद चल रहे हो? उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो? तो मैं दावत खिताब देता हूं, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर, सबसे सच्चे लीडर, हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। खान बेला के दोस्तों, आपने बाजी जीत ली। लियाकतपुर के दोस्तों, आपने बाजी जीत ली। पता चला है कि ये जलसे की लाइव कवरेज देखकर बन्नी गाला में पसीने छूट रहे हैं। आपको पता होगा जब भी मुल्क में इमरान खान के खिलाफ कोई तहरीक चलती है तो तर्जुमानों का खुसूसी इजलास मंगवाया जाता है, और आज का जलसा देखकर पूरे मुल्क से जादूगर और जादूगरनियों का अहम इजलास मंगवाया गया है। परेशानी का आलम है, अपने लीडर को वेलकम करें, तालियां बजा के करेंगे। मैं नारा नहीं लगाऊंगा, आप चेयरमैन साहब का नाम लेके तालियां बजाएंगे। बिलावल, अब आपकी तालियों की गूंज में हम आपके लीडर को बुलाने जा रहे हैं। झंडे ऊपर करो, उससे पहले सिर्फ एक बात पूछता हूं, आप चेयरमैन साहब के साथ इस्लामाबाद चल रहे हो?